करते हैं फेस ओपन। चलें सब, आप खुद जो है ना एक हाथ उसके हस्बैंड, आप मैं थोड़ी हूँ। आप मेरी बेगम हो ना, वो भी मेरी बेगम है। तो ऐसे एक हाथ आप एक हाथ मैं, ऐसे करके हम अपना फेस रिवील करवाते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी, खाना ला चुका है जी। आज दावा दी है मोहिउद्दीन भाई ने, और अहमद भाई पहले जो है ना खा के आया है हमारे छोटी भाभी के साथ, अब जो है ना सबा भाभी के साथ खा रहा है। खाना वहीं पे ले गया था, आपको पता चला गया अहमद भाई? नहीं, पहले अकेले सबा भाभी थी यार, सिर्फ अब दो हो गए ना। एक हफ्ता परेशानी होगी यहाँ सब लोगों के साथ घुलने मिलने में ना, एक हफ्ता लग जाएगा। मतलब वो अब जब हम सारे बैठे हैं तो अब वो उधर भी कितना शर्मा रही थी, अब इधर को खाना हमारे साथ कैसे खाती, आपको सोचो सबके सामने वो, उसको थोड़ा शर्मा वो दिया। तो ठीक है, अब मैंने खाना यहाँ से लिया उसके साथ खाया, अब यहाँ पे सर मैं थोड़े से चावल चेक कर रहा हूँ बस, अब इसके साथ खा रहा हूँ। चले, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारी दुआ है। और आपने जो ना हक बराबर रखना है आप, हाँ बिल्कुल भी इसमें जो है ना आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब तो होता क्या है इसके साथ? थोड़ी सी परेशानी ये है कि सुबह उसको हॉस्पिटल पहुंचाना भी है, शाम को लेके भी आना है। चले, अब इस तरह करूंगा, बेबो को उसको इकट्ठे लेके जाऊंगा, फिर वापसी पे शाम को उसको ले आऊंगा। चले सही हो गया जी, चले शुरू करें यार, खाएं। कैमरा बंद होगा तो खाएंगे। चले शुरू करते हैं जी। ऑन किया हुआ है, मेजबान खड़े हैं जी हमारे सर पे, कोई चीज कमो बेची देख रहे हैं कि किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बहुत है। नहीं खाएंगे तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं लिया। आप बैठ जाए आराम से, बस टेंशन ना ले, हमारे पेट इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे पेट है। नहीं अहमद भाई ने देख का बोला था। अच्छा चले जी, खाना खाते हैं, अल्लाह खैर करे जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें तो हमें याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूल के तरह। अल्लाहुम्मा आमीन। और मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग भी होंगे सब बहन भाइयों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, आज मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, ऊपर जो है ना आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हैं, और न्यू सुबह का आगाज हो चुका है, और आपकी खिदमत में आपका भाई और भाभी भी हाजिर हो चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में फेस रिवील होगा जी। हाँ। दुल्हन का आप सब बहन भाइयों को फेस दिखाएंगे क्लियर, और तो आपने देखना भी है और कमेंट्स में बताना भी जरूर है कि दुल्हन कैसी लगी। हाँ जी, तो अभी अहमद भाई और भाभी वो कमरे के अंदर ही हैं, तो उन्हें हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो हम छत के ऊपर आ चुके हैं, और अब हम चलते हैं जी, सबसे मिलते हैं, और उसके बाद जी फिर हम वापस जा रहे हैं। अच्छा वो ना, असल में एक बात मैं कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो टेंशन हमें थी ना, अब तो ऐसे लग रहा है कि अल्लाह खैर करे कि ऐसा मसला ना हो, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान भी है और अच्छी भी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी खुशी ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह असगर भाई और अहमद भाई का राजीनामा हो गया, सुलह हो गई, शुक्र अल्लाह ताला का। लेकिन अफजल भाई और अहमद भाई वो उनकी अभी सुलह नहीं हुई, क्योंकि उनके मामलात कुछ ज़्यादा है, तो अल्लाह खैर करे, हम दुआ करते हैं कि इनमें भी सुलह हो जाए। और आज हमारी तैयारी है जी वापसी की इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पीछे भी काफ़ी सारे काम पड़े हैं, और फिर जो है ना इतने दिन हम नहीं रह सकते, फिर नंबरदार की शादी है,
तो हमें वापस आना पड़ेगा, मजबूरी है फिर भी। तो आज इंशाल्लाह ताला वापस चलते हैं, क्या जी? नहीं चलते हैं, आज ही चलते हैं, क्योंकि पीछे काम भी बहुत सारे पड़े हैं, वो भी करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब वो नंबरदार की शादी होगी फिर वापस। वैसे तो दावत का सब कह रहे हैं लेकिन मुश्किल है, आज बस वापस ही करते हैं। हाँ, अकरम भाई से जाते हैं, माजरत करते हैं, और असलम भाई से भी, मुखलिस भाई से। भाभी नादिया की तबीयत भी खराब है कल से, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल आज अता फरमाए। आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है, और वीडियो आज की जो है ना बहुत खास है। हाँ जी, ये हमारे साथ रहना सीरियसली बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, आप जो आपको जो है ना बहुत ही पसंद आएगी। हाँ जी, क्लियर जो है ना फेस आज आप देखेंगे दुल्हन का जी। तो चलते हैं जी नीचे और सबसे मिलते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, ठीक हो गया जी, जल्दी जल्दी निकल जाएं क्योंकि सफर काफी लंबा हो जाता है। तो चले अब चलते हैं आज की बहुत ही खास मजेदार वीडियो की तरफ। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाए, हमारी तरफ से सब आपके देखने वाले हमारे बहन भाई जो हैं सबको सलाम हो गया दिल से। रोला पा दिया, सॉरी। असल में ना गाड़ी का हाल बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने कहा चले इतनी कार लें कि चलो कुछ नहीं, अब फिट हो गई है। शीजा, शीजा सलाम कर रही थी मुझे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल? उम्मीद करती सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। शीजा अब भी कर लो सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए बच्चा है, आज माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, बादल है और थोड़ी थोड़ी हवा चली हुई है, ठंडी ठंडी रात से चली हुई है हवा, है ना? हवा रात की चली हुई है, ठंडी हवा, मौसम भी बहुत प्यारा। चलें शुक्र है कि मौसम ठंडा हो गया, हमारी गाड़ी का एसी भी खराब है, चलो सुकून से जाएं। हां, ये तो एसी का बड़ा मसला बन गया है यार। कल पूछा उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 से प्लस खर्चा हो जाएगा, तकरीबन 50 तक हो सकता है। वैसे तो बस ठीक करवाया था। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, वो जो है ना वो कंप्रेसर वो फट गया है। कंप्रेसर के अंदर जो अंदर वाला बैरिंग होता है ना, हाँ, वो डैमेज हुआ है, उसने फिर सारा काम खराब किया। हाँ, उसका मुबलैल वो भी लीक हो रहा है। मुबलैल लीक हो रहा था, चेक किया उन्होंने? हाँ, बस फिर एसी को ऑन तो नहीं कर सकते क्योंकि ये नुकसान करेगा। हाँ, आगे कंडेंसर का अंदर और भी पुर्जे हैं। हाँ, वो फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो बहरहाल कोई नहीं, मौसम नॉर्मल है, गुजारा हो जाएगा, बगैर एसी चले जाएंगे। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, शीशे नीचे करके चले जाएंगे। हाँ, गुजारा करना है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बाकी आए फिर सबसे मिलते हैं, सबसे मिलते उसके बाद हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। वो काम रहता था, हो गया, गाड़ी साफ हो गया। क्या गाड़ी साफ हो गया? हाँ, हाँ बस ठीक है, सलाम कर लेते हैं सब। ये इधर आ रही हैं जी बकरियां, आपकी दोस्त आ गई हैं जी, सलाम दुआ कर ले। वो नाराज हैं? नहीं, वो नाराज है, रास्ता भी चेंज कर लिया है, पता भी हमारा नहीं किया, हाल हवाल भी नहीं किया, इसीलिए वो मुझसे नाराज है, वो जा रही है फिर आएंगे। अरहम टूथपेस्ट कर रहा, माशाल्लाह, सलाम करो। शेयर करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सितार भाई भी आ गए हैं जी नीचे, कैसे हो जी? तबीयत सेहत कैसे है? ठीक है, बिल्कुल A1 माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, हमारी दुआ है। अब कुछ जहन फ्रेश हो गया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आउटिंग हो गई है ना, ये काफी डिप्रेशन का शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना कुछ जहन इनका फ्रेश है, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे ले आए कि कुछ जो है ना इनका जहन दिलो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। माशाल्लाह पहले से जनम भाई की तबीयत भी बेहतर लग रही है और खुश भी लग रहे हैं। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हमारी दुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन है। बाजी आप कैसी हो?
ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो, खुश हो? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। सबको, आपको भी गुड मॉर्निंग हो गया सबको। गुड मॉर्निंग टू हो गया जी। गुड मॉर्निंग टू हो गिया। जल्दी करें फिर वो सबसे मिलते हैं और चलते हैं फिर वापसी है। बस घर जा रहे हैं। माजरत भी करते हैं क्योंकि साहब ने वो दावत का कहा था, आप जो टाइम हमें दावत हम नहीं खा सकते इंशाल्लाह फिर दावत। हाँ फिर कभी इंशाल्लाह। और भाभी नादिया की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ उनसे भी मिलते हैं। दावत खाते हैं तो लेट हो जाएगा। हाँ जल्दी करें फिर। ठीक है, ओके हो गया। हाँ फिर सब आ जाएं इकट्ठे चलेंगे। ओके। इसने आज तक जो है ना ये बैठक नहीं देखी, गेस्ट रूम नहीं देखा। नहीं देखा मैंने। मैं वैसे सुनती थी कि है इधर, लेकिन हाँ, मैंने देखा नहीं। चलें आज देख लें। ये जब से बना हुआ है आज देख लें जी। ये है जी बैठक सरेकी में, हम बैठक इसको बोलते हैं। ये है जी गेस्ट रूम है। ये भी बहुत प्यारी है। प्यारी है ना। इधर आए भी पहली बार हूँ, देखा भी अभी है मैंने। हाँ जी माशाल्लाह प्यारी है। चले आ जाए फिर। आज मौसम माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह करे कि इसी तरह मौसम रहे, क्योंकि हमने सफ़र करना है और एसी है ख़राब, तो काफ़ी जो है ना ये टेंशन हो रही है हमें। बार बार ना को फिर जो है ना वो बादल चला जाता है। अल्लाह खैर करेगा जी। और नंबरदार मेरे ख्याल में गया था नाश्ते का सामान लेने के लिए और ये वापस अब आ गया है। हम आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए। हाँ क्या चीज़ ली हुई है? अंडे। अंडे दो जो आप नहीं खाते वही लिए हुए। और भी चीज़ है मिल जाएगी आपको यार। अंडे कोई मसला नहीं है, खा लेता हूँ मैं। आप खा लेते इस तरह यार क्यों बोलती हो यार? आप अंडा नहीं खाते ना, इसलिए मैंने कहा। ओ यार अंडा खा लेना चाहिए, मैं खाता हूँ। जब मैं घर में बनाती हूँ तो नहीं खाते यार। गर्मियों में वैसे मैं थोड़ी परहेज करता हूँ, मैदा का मरीज हूँ ना। सही। हाँ बाकी अंडा खाना चाहिए, अंडा ठोस गिजा है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जोड़ी इधर व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही है जी। ठीक है जी, हम आ रहे हैं। जाग गए हैं सब? जो ना और भी मुझे मिले। सब जाग गए हैं। अच्छा जगह है, हम आ रहे हैं फिर हम जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं। इतना जल्दी? हाँ जी, फिर आपकी शादी पे आना है ना। हाँ हाँ सब को जगह है, फिर हम चलते हैं वापस। बकरियां मैंने कहा क्या ढेर सारी आ गई, मेरा सुना उसने वो मिलने के लिए आ गए। वो देखें चलें दुआ सलाम कर लें, मिल लें इनसे। आपका दिल कर रहा है तो, लेकिन वो है नाराज इससे, वो मिलना नहीं चाहती। हाँ। ये उनसे जो है ना मिल रही है, लेकिन है नाराज। मेरा तो दिल करता है ना, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझसे, और मैं उनसे बहुत ज्यादा। क्योंकि बचपन से जो है ना ये भेड़ बकरियों में पली बड़ी है। हाँ। इसने भेड़ बकरियां चराई हैं बेचारी ने। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए जो है ना इनके साथ लगाओ इसका ज्यादा है। इधर आ जाए, इधर आ जाए। वो नहीं आ रही, वो रास्ता चेंज कर लेती है। हम आ चुके हैं जी सबसे पहले अकरम भाई के घर, उनसे मिलते हैं, उसके बाद जो है ना असलम भाई से मिलेंगे, देखते हैं अगर वो जाग गए हैं तो। उसके बाद फिर असगर भाई से मिलते हैं, उसके बाद मोहिद्दीन भाई से मिलते हैं, उसके बाद फिर अफजल भाई से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। ठीक हो गया जी। पहले चेक कर ले ऑफ कैमरा, क्योंकि ऑफ कैमरा है इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह यूनिफॉर्म चेंज कर ली है, स्कूल जा रहे हैं। चले स्कूल जा रहे हैं बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाभी कैसी है तबीयत? ठीक भाई। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल इलाज अता फरमाए, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। कल मैं गया था साथ ही दवाई लेने, इकट्ठे गए हुए थे तो मैंने देखा वाकई अब भी नजर आ रहा है चेहरे से भी, खून की कमी बताई है काफी। अल्लाह पाक ख्याल रखे। चले हमारी दुआ है मेरी बहन आपके लिए, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्दी से। अच्छा भाभी हम जा रहे हैं वापस। क्यों? इसलिए जो है ना हम जल्दी जल्दी आ गए कि दुआ सलाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी वापसी है। ऑपरेशन बेटा हुआ है तो वो बस इसलिए थोड़ा ना वो परेशान है, वो रो रही है, कहती है मेरी अम्मी नहीं है अब्बू नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा गुलाब भाई को मैंने। हाँ फिर वापसी आना है ना, वो नंबरदार की शादी है तकरीबन 15 दिन बाद, फिर वापस यहीं पे होंगे। हाँ,
हाँ अकरम भाई को उठाते हैं मेरे ख्याल में नमाज अदा करके सो गए हैं, आगे चलते हैं चले वापसी पे फिर देखते हैं मिलेंगे वापसी। ओके हो गया जी ठीक है चले चले। आप पता करते हैं जी असलम भाई का, वो भी तकरीबन बच्चे उनके स्कूल जाते हैं, आवाज आ रही है चेक करें वसीम अकरम चेक करें अभी उठे अभी उठे हो इस्लामुद्दीन अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहु भाभी क्या हाल है हम जा रहे थे असलम भाई सो रहे हैं चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला हम वाप... आप जा रहे हो जी हम जा रहे हैं वापस अस्सलाम वालेकुम भाई हम इसीलिए तो आए हैं कि मदद भी करते हैं कि हम जो ना आपके घर दावत नहीं खा सके इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे ना तो मदद भी खा लेंगे इंशाल्लाह फिर खा लेंगे हम तो आज दावत का प्रोग्राम बनाया वो ना असल में वो भाभी की बेटी का जो ना ऑपरेशन हुआ है वो बेचारे परेशान है गरीबन में तो वो अब ना रोने लग गई थी रात के मैं आप लोगों को कोई परवाह नहीं है यानी कि बस वो इसलिए हम भी परेशान हो गए फिर अल्ताफ भाई को मैंने रिक्वेस्ट की मैंने कहा सुबह चलें वापस नहीं माफ नहीं करने इंशाल्लाह ताला अगली बार इंशाल्लाह ताला क्योंकि अभी वापस आना है हमें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बाद फिर इंशाल्लाह ताला दावतें भी खाएंगे जल्दी करो तैयारी करो घर जाना है मैं कि क्या बात है क्यों बस घर जाना भाई हनीफ ने कहा आज बस घर जाना है चले फिर फिर अमान इल्ला ओके ठीक है जिंदगी तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह हाँ सलाम दे देना हमारे भाई को सलाम और भाई को सलाम देना और बच्चों को प्यार देना जो सोए हुए हाँ जी चले जी आप चलते हैं असगर भाई के घर असगर भाई भी तकरीबन सो रहे होंगे क्योंकि वो लेट उठते जी जी क्या भाभी को टाइम नहीं देंगे हैं भाभी को टाइम नहीं देंगे माशाल्लाह जी असलम भाई भी आ गए वो बेचारी ना असल हम तो डीट बने हुए थे वो रोने लग गई ना तो उसने कहा जी आपको कोई परवाह नहीं है तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है हम वापस आ रहे हैं मैंने सर झुकाया हुआ है आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद फिर हमारी वापसी है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का बिल्कुल ठीक ठाक है अभी से ज्यादा तो हो गई और मिल भी लिए अल्लाह हाफिज भी होगी अस्सलाम वालेकुम भी कर ले हां जी ओके हो गया जी अल्लाह पाक आपको खैर खुशी से ले जाए आमीन आमीन सुब आमीन या रब्बुल आलमीन दो में याद रखना है हमारा यहां नाश्ता करना था ये बात हमें पता है वाकई ये बात वाकई पता है इंशाल्लाह ताला फिर कभी इंशाल्लाह जरूर जो है ना नाश्ता भी करेंगे क्यों कभी क्यों नंबरदार की शादी हुई तो दिनों बाद फिर आपके इधर ही है वो ना हमारी जगह बना के रखनी है क्योंकि हम जो है ना वो काफी सारे बंदे होंगे छत पे ये सारी जगह क्योंकि माशाल्लाह ज्यादा सारे बंदे होंगे तो जाहिर सी बात है छत पे पूरे आएंगे टेंशन नहीं है जगह बहुत है जगह दिल में हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है दिल बड़ा होना चाहिए ये बात है बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है तो चलो ठीक हो गया फिर असलम भाई ओके अल्लाह हाफिज जिंदगी तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ओके हो गया ठीक है आज मैं बाहर इंतजार में खड़े हुए ये कौन है ठीक है हम जा रहे हैं दुआ करने आए ठीक है हाँ माशाल्लाह ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बहुत ही जल्द ठीक है भाभी अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह ताला हाँ 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 नाश्ता इधर ही करेंगे यही पूछना भाभी उठ गई है हाँ वो तो कब की उठी है बच्चे को रेडी कर रही थी स्कूल के लिए अच्छा नहीं नहीं वो नए वाली बस समझ लें 10-15 मिनट तक वो चली जाएगी अच्छा। उसको छोड़ के आऊंगा ना हॉस्पिटल जाएगी हाँ, तो उनकी ड्यूटी होती है ना तो चले हम देखते हैं इधर असगर भाई से मिल लें हाँ वापसी पे अगर होगी तो फिर उनसे भी इजाजत ले लेंगे अभी मिलना है तो मिल लें वो वापसी पे तकरीबन नहीं होगी बस
15 मैं सिर्फ दुकान से दही लेके गाड़ी से मैंने स्टार्ट करी। हम कोशिश करते हैं बस आए हुए हैं दरवाजे पे, मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ असगर भाई से मिल लें। चले इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, आप छोड़े इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। ये आ गया जी असगर भाई का गेट, पता करें यार कोई ऑफ कैमरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह जी सब उठ गए हैं और कुछ बच्चे जो है ना अभी लेटे हुए हैं। किचन में खुशबू आ रही है, खुशबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कैफ़ हालुका मतलब के क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश में बोलते हो यार? इंग्लिश नहीं है। माशाल्लाह जी नाश्ता बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं पेड़े भी बने हुए हैं, इधर तवा चढ़ा हुआ है, इधर चाय होगी तकरीबन। नहीं सालाना अभी चाय नहीं पीते, अंडे का पीते हैं, लेकिन जब से गर्मी आई है ना तो मैंने ये निजाम वो सिस्टम जो है ना वो चेंज कर दिया, क्योंकि बच्चे है ना वो तंग करते हैं। सुबह के टाइम उनको चाय नहीं देते, जब वो स्कूल चले जाते हैं खाना बना के खा के अपने लिए बना लेते हैं बस। सही है, हाँ बच्चों को ज्यादा आदि नहीं करना चाहिए चाय का। अच्छा भाभी अब जो ना हम घर जा रहे हैं, हमारी घर वापसी है। जब घर मिलाना की घर वापसी सीरियसली आपका भाई बोल रहा था मुझे रात के कल जो है ना हमारे यहाँ आएंगे दावत पे, वो ना हमारा इरादा भी था, इसीलिए तो हम माजरत करने भी के लिए भी आए हैं और मिलने के लिए भी आए हैं, क्योंकि आगे नंबरदार की शादी है और शादी पे दावत होगी। तो आप क्या नहीं दे सकेंगे? नहीं आप जो ना वो नहीं, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं तकरीबन 15 दिन बाद तो फिर वापसी होगी हमारे इधर। 15 दिन नहीं पहले नहीं, कितने दिन बाकी हैं शादी में से? ऐसे समझ लें कि 20 दिन रह गए, 20 से भी कम हो गए। हाँ तो हम तकरीबन 5 दिन पहले आ जाएंगे। 5 दिन? 5 दिन की बात नहीं है, मेहंदी से पहले आना है आपने। चले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उधर जाके खोलनी है, फिर एक हफ्ता पहले जाना पड़ेगा ना, मेहंदी की रस्म कर लेंगे, फिर इधर फंक्शन, फिर बारात जाएगी। चले फिर रास्ते में इंशाल्लाह ताला तरीका हमारी जो है ना पक्की होगी आपस में, लेकिन बहन भाइयों के साथ अभी शेयर नहीं किया। उधर दुल्हन वालों के यहाँ जाएंगे फिर उधर वीडियो लगाएंगे, कौन सी डेट है। चले फिर रहा होता रहेगा, नाश्ता जो है ना नाश्ता उधर ही करते हैं, बस हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर निकलते हैं। चले फिर सलाम दे देना हमारे, फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। चले फिर हम वापसी पे बात कर लेंगे, फोन कर लेंगे। गाड़ी का एसी खराब हो गया, इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ठंडे ठंडे जिंदगी बाकी तो बेशक चले वो बाद में कॉल करके जो है ना वो सलाम भी दे देना भाभी, तो मैं नहीं दूंगी। चले ओके ओके, मैं फिर खुद कॉल कर लूंगा असगर भाई को। हाँ फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, दुआ दी मदद, खैर ना लूँगी। आमीन सब से मिल लिया जी। और औरतें जो होती हैं ना जाते जाते फिर उनकी गप्पे शप्पे शुरू हो जाती हैं, काफ़ी टाइम लगा दिया इधर, हम बाहर खड़े हैं वो अभी तक अंदर है, जो ही आती हैं तो फिर चलते हैं अहमद भाई के यहाँ, काफी टाइम लगा दिया जा आपने। ना मैं आ रही थी और पीछे भाभी ने मिला लिया। आ, वो भाभी तो चली गई होगी, हमें तकरीबन 20 मिनट हो गए इधर, 20-25 मिनट बस चले, वो तो भाभी चली गई, चले भाभी सभा तो बैठी होगी उनसे मिल लेते हैं। चले सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह अकरम भाई ने पीछे हमें बुलाया कि मैं उठ गया हूँ इधर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। माशाल्लाह जी जाग गए? हाँ जी बस हम अभी जाने वाले थे।
हम जा रहे थे, अकरम खान ने पीछे से जो है ना एकदम रेड कर दिया, एकदम आवाजें लगाना शुरू कर दी, वो रेड होता है मत जाओ। छापा अकरम भाई वापसी है हमारी, क्या वजह इतना जल्दी, क्या वापस क्यों वापस, इंशाल्लाह ताला फिर जल्दी वापसी आना है ना। अच्छा हाँ जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 13-14 दिन जैसा लग रहा है, जैसा सुन रहा है वो डेट फिक्स हो गई है ना तकरीबन शादी की, हो जाए अभी जाना है उन्हें। हाँ जो यानी कि खुद कन्फर्म कर लिया ना, फोन दौर है बस सारी बातें तो हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वो एक रस्म करनी है वो जो गंढी बदते हैं, फिर उधर जाएंगे बस। हाँ जी फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला, तो गई अभी जो है ना बस अहमद भाई के यहाँ थोड़ी देर लगनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता अहमद भाई के यहाँ करके और निकल रहे हैं फिर इंशाल्लाह वापस, गाड़ी हमारी हमें रखना है दुआओं में यार, ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और हमारे चैनल का नाम है अलीजा सतार फैमिली, इसको याद करना है शेयर भी करना है आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे क्योंकि ये बेचारा न्यू है ना। ठीक है जी, नहीं वैसे जल्दी क्यों जा रहे हो, आपने तो कहा था हम इधर रहेंगे, हाँ इरादा था लेकिन मसला है इनकी बेटी का ऑपरेशन हुआ है, इनका नवास पैदा हुआ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, तो इसलिए जो है ना ये परेशान है, इनकी वजह से हम भी परेशान है, अल्लाह पाक सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन, तो इसलिए जो है ना फिर जल्दी वापस जा रहे हैं, ज्यादा तो हो गई जी। ओके ठीक है इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ओके आ जा जी, अलविदा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जल्दी ठीक कर दे, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, दो में याद रखना है, अल्लाह हाफिज। चले गए अहमद भी और भाभी, चले गए अहमद भी और भाभी, गुड मॉर्निंग सब भाभी, उसको हॉस्पिटल छोड़ने गए हैं, चले गए हाँ चले गए, और भाभी से मिल लेते हैं, अल्लाह करे कि वो भी आ जाएंगे भाई रास्ते में, बैठ जाओ बड़ी जल्दी, मैंने उसका दिन आपको क्या कहा, नहीं थोड़े से दिन है फिर वापस आने वाले, कुछ दिनों में वापस नहीं आया, 12-13 दिन बाद इंशाल्लाह ताला यहीं पर होंगे, फिर उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो वो रात बेचारे ना रोने लग गई, फोन किया था ना तो कह रही थी आप जो है ना आपको परवाह ही नहीं है, आप बिल्कुल भूल चुके हो जाके, तो चलो आ जाओ मैं परेशान हूँ आप मिले नहीं, तो इसलिए जो है ना मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई को भाभी को चले इसलिए आपसे ज्यादा मांग रहे हैं, ये चार्जर आप बाकी ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है आप जो है ना हंसी खुशी हमें तो रहे भाभी, परेशान ना हो, इजाजत दे दे तो, हाँ क्योंकि अब तो आप दो हो गए है ना, तो आप परेशान भी खुशी रोने यही तो डर है, फिर नहीं होता ना, यही तो डर है, अजीब सा सुना सुना सा घर हो जाता है हमारा, इतना बड़ा घर है फिर माशाल्लाह से एकदम आने से फुल भर जाता है, फिर एकदम आप चले जाते हो ऐसे लगता है कोई जो है ना बस खाने को आता है, इंशाल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा 12-13 दिन बाद कुछ दिन वापसी होगी हमारी, छुट्टी दे दो फिर वापस आ जाएंगे, अभी छुट्टी दे दे जरूर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह परेशान ना हो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ क्योंकि शादी से पहले आना है ना, वो भाभी ने भी कहा आसमीना भाभी ने कि एक हफ्ता आपने पहले आना है, वो आजर भी कभी वहाँ पे भी जाना है, हाँ उनसे भी मिलना है, जाते हैं चले मेरे साथ, आजा चले चले फिर हमें जा जाते, हाँ छुट्टी दे दे, देने वाले गए हुए हैं वो वापस आएंगे उसके बाद, नहीं भाई से रास्ते में मिलते हैं, वो रास्ता करता हूँ मैं, मिल लेंगे रास्ते, आप उधर से जाएंगे ना, ये इधर से क्रॉसिंग करेंगे, नहीं अभी तो आसन भी से बातचीत करनी है, वापिस से मिलना है, तो आप ऐसे पैदल चले जाए आप वालों से वो आएंगे तो आ जाएंगे, हाँ ऐसे ही करते हैं, चलो ठीक हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक हो गया, चलो ठीक है जी, जल्दी से मिल
तो जी फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं दूसरी बेगम साहिबा के पास। तो अभी जो है ना हम करते हैं फेस ओपन, इजाजत है जी? कार छोड़ा चलें जी अभी जो है ना करते हैं फेस ओपन। चलें सब आप खुद जो है ना एक हाथ हस्बैंड आप हो, मैं थोड़ी हूं आप मेरी बेगम हो ना, वो भी मेरी बेगम है। तो ऐसे एक हाथ आप एक हाथ मैं, ऐसे करके हम अपना फेस रिवील करवाते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये जी माशाल्लाह दुल्हन साहिबा। तो अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। तो आप बताएं जोड़ी कैसी लग रही है? जोड़ी नहीं तीन है, वही तीन ट्रिपल है। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, टू एंड वन बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे माशाल्लाह। हमारी माँ भी बहुत ही प्यारी है, क्योंकि पिछली वीडियो हमारी कुछ लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने कहा था चले ये वीडियो हमने अभी फेस रिवील की उसी टाइम ही हमने बना ली थी, तो हमने कहा चले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में फेस रिवील करवा दिया है, आप सबके सामने है। तो अभी इससे थोड़ी सी बातचीत भी करते हैं, तो कोशिश करनी है ऊँचा बोलना है, ठीक है? हाँ अच्छा, अभी मुझे बताएं कि इधर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। अभी तो एसी में बैठी हो ना, जब बाहर निकलोगी फिर पता नहीं फिर कैसा लगेगा। अच्छा फिर पता नहीं कैसा लगेगा, बाद में पता चलेगा ना। हाँ जी, क्योंकि ऐसा ऐसा एडजस्ट होना पड़ेगा, न्यू है ना, फिर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो कुछ इसी तरह का। लेकिन ये ना इसकी शुरू से पता है क्या कहती है, ये कहती है शुरू से मैंने जो है ना वो शहर में ही रहना, लेकिन मैंने इसको कहा कि आप जो है ना तसल्ली रखें, इधर कुछ भी नहीं होगा, हम सब साथ हैं, वो भी अच्छी है। चले सीधे कर लें। अच्छा उसके बाद मैंने इसको कहा कि हम जो है ना इधर इकट्ठे रहेंगे, खुश रहेंगे। आपने अब देख लिया ना सबा को, वीडियो में भी आप देखती थी, तो ये आपको ऐसी लगती है कि आपसे झगड़ा करेगी या कुछ इस तरह? एक बार फिर भी देख लो। अच्छा जी ये बात है कि माशाल्लाह से आप सब इसको भी देख रहे हैं, और आप वो कहते हैं इंसान का पता चल जाता है जब इंसान सामने हो, या उसका फेस देख के भी पता चल जाता है वो इंसान कैसा है। पर मेरी नज़र में माशाल्लाह जैसे वो है जैसे ये है, दोनों जो है ना मेरी बेग में मासूम है। चले अल्लाह तोड़ दी मिन्नत लावे। आमीन। आपका दिल कर रहा है? नहीं नहीं भाई नहीं कर रहा है। नहीं इधर खड़ी है पीछे। नहीं सबा भी पीछे खड़ी थी। जो पूछ रहे हैं उनका दिल कर रहा है। आपका दिल कर रहा है शायद। नहीं हमारा दिल कर रहा है। अभी तो मतलब गर्मियां खत्म हो गई ना, अभी सर्दियां तो इधर निकाल लेना, फिर आगे सोचेंगे। चलें देखते हैं, क्योंकि सर्दियां अभी सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अब ऐसा ऐसा बंदा आदत बनाता है इधर यहाँ के रस्मों रिवाज की, यहाँ देहात की। हाँ बिल्कुल। तो अब इसकी जितनी उम्र की है ना, ये सारी उम्र इसने शहर में गुजारी है। तो इधर तो है थोड़ा सा विलेज माहौल है, विलेज टाइप है। नहीं विलेज आपको पसंद है? पसंद है। कितनी पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा बहुत पसंद है, चले फिर तो पसंद आ जाएगा ना फिर इधर इंशाल्लाह ताला। कोशिश करनी है, अब हम इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, इकट्ठे रहेंगे सब। खाना शाना बना, खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हो ना, फिर अपने हाथों से जब खाना वगैरह खिलाए बनाएगी खिलाएगी इंशाल्लाह, आप सबको दिखाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। आप मिलजुल के सब हम काम भी करेंगे, तो पहले मुझे करना पड़ता था, अब सब मैं नहीं करूँगा, मेरी जगह पर ये करेंगी तेरे साथ काम। आपसे भी करवाएंगे, टेंशन ना लो। क्यों मेरे से? कभी मैं थक जाऊंगी, कभी सारा काम आप से करवाएंगे, आप सारा काम आप करोगे। अब पता है क्या, पहले मैं एक का कर, पहले मैं अकेली थी, अब हम दो हो गए, अब तो आप पे मजीद बंडल पड़ गए। टेंशन ना लो, ये हो ना कुछ हो रहा है, आज पता चला ना, अब कह रहा है कि मैं ना शादी करके सुखा हो जाऊंगा, लेकिन ये आपके भूल है, अब आ गए हो डबल वजन के तले। डबल वजन नहीं नहीं, ये मुझे काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूछो इससे, ऐसे करता है बाद में पता चलता है। यार ये देख, ये वीडियो देखती थी ना मैं काम कर रहा होता हूँ वीडियो में, ये कहती है अहमद आप क्यों काम करते हो, मुझे बताया कर। मैंने कहा आप तो बैठी हो शहर में, आप भी इसी वजह से ये इधर आई है, वरना उधर ही रह जाती है। इधर इसलिए आई है कि अहमद आप खुद काम करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद काम करूंगी, ऐसी बात है ना। सुन ले आप खुद बोल रहे हैं। अरे भाई अल्लाह ताला शाह का करना है। ये चाबी गाड़ी की। अच्छा
तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो आप सबको वादा किया था कि इंशाल्लाह फेस रिवील करवाएंगे, तो वो कर दिया है, आप सब ने देख लिया, बाकी गुफ्तगू भी की है वो सब आपने सुन ली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।